थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव भाई में हेल्थ इंडिया फाउंडेशन ने प्राथमिक विद्यालय नगला भाई पहुंचकर बच्चों को पढ़ाई संबंधित बुक, पेंसिल, पेन, बैग, पेंसिल रखने के बॉक्स आदि वितरण किए। आपको बता दें, हेल्थ इंडिया फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी। तब से यह फाउंडेशन गरीबों के लिए कंबल वितरण, खाना कपड़े बांटना और समय समय पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई संबंधित किट बांटने का कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मवीर सिंह ने बताया कि हेल्थ इंडिया फाउंडेशन द्वारा विद्यालय में बच्चों को उपहार स्वरूप किताब, कॉपियों की किट बांटी गई। ऐसे कार्यक्रम से बच्चों का उत्साह बढ़ता है। मीडिया प्रभारी हेल्थ इंडिया फाउंडेशन, आज हमने यहाँ भाई गांव में और प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत एक छोटा सा शिक्षा के माध्यम से कि जिससे कि हर कदम, बचपन का हर कदम शिक्षा की तरफ चल सके, उसके लिए थोड़ा बच्चों को कुछ शिक्षा सामग्री उन्हें देने का काम किया, जिससे बच्चों को शिक्षा में रुचि हो, आने में भी रुचि हो। अब जैसे कि जो बच्चे नहीं आए हैं तो वो सोचे कि नहीं, इनको मिल गया, हमें ना मिले, तो वो रेगुलर आएँ। तो इस रीजन से हमारा ये है कि हर कदम जो है बच्चों का वो शिक्षा की ओर आकर्षित होना चाहिए और बचपन का हर कदम स्कूल जाता हुआ दिखना चाहिए, ना कि किसी भ्रम में, किसी घर पे रहते, किसी उस तरीके से दिखना चाहिए जिससे आगे की पीढ़ी को शिक्षित किया जा सके। यही हमारा मोटिव है। तरफ से जो गरीब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनके लिए ये किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर और ये नमकीन वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूशन की गई। इसके लिए हम इनके लिए बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी कुमार, अध्यक्ष हेल्प इंडिया फाउंडेशन। इस एनजीओ को बना हमने 2022 में बनाया था और निरंतर हम इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो गाँव देहातों में हम जाते हैं, वहाँ पे ये गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं सरकारी स्कूल में, तो उनकी हम ये रबड़ कटर, पेंसिल और ये सारी चीज़ें देके उनकी थोड़ी सी मदद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे एनजीओ के उद्देश्य ही यही है, जो बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। जब मैं सर के पास आया था, ये भाई गाँव में एक आपका बिच्छू बरौली अहीर ब्लॉक में पढ़ता है, मैं सर के पास आया तो सर से मेरी बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में आइए और इन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। सर का धन्यवाद करता हूँ और आगे भविष्य में भी कोई मौका मिलेगा तो सर के साथ फिर काम करेंगे। और यहाँ आगे हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत प्यारे बच्चे हैं और सर भी बहुत सही है, सारा स्टाफ। आपका ये फाउंडेशन और क्या 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 करते हैं? अभी जब से हमारे फाउंडेशन स्टेबल हुआ है तब से हम अभी ये सरकारी स्कूल में स्टेशनरी प्रोवाइड करा रहे हैं, आगे जैसे भी और होगा वो करवाएंगे। अब तक कितने स्कूलों में करा दिया होगा? अभी तक हम 5-7 स्कूलों में एक साल के अंदर।